तो सर कई बार हमारे मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड होता है हम उसका पासवर्ड जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में कई लोगों को ये नहीं पता कि कैसे हम मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है या फिर कनेक्टेड था उसका पासवर्ड हम किस तरह जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप आसानी से अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है और कनेक्टेड था उसका पासवर्ड आप आसानी से जान सकते हैं। तो बेसिकली ये दो मेथड कौन से है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड जानने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है रूट और दूसरा तरीका है बिना रूट। दोस्तों बिना रूट के भी आप अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल रूट है तो आप आसानी से अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है, इसके अलावा आपके मोबाइल में जितने भी पुराने वाईफाई कनेक्टेड थे उन सभी का पासवर्ड आप आसानी से जान सकते हैं अगर आपका मोबाइल रूट है तो। दोस्तों इंटरनेट में आपको कई सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जिनमें आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपने मोबाइल से वाईफाई को हैक कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों वहां पर जो तरीका बताया जाता है वो यही तरीका बताया जाता है, लेकिन ये किसी भी तरह का हैक नहीं होता। ये एक मेथड होता है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में किसी भी तरह के सेफ वाईफाई या फिर कनेक्टेड वाईफाई के पासवर्ड को जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहला तरीका जानते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड कैसे जान सकते हैं बिना रूट के। लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन, आप जिस भी वाईफाई का पासवर्ड पता करना चाहते हैं वो आपके मोबाइल में कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप उसका पासवर्ड जान सकते हैं। नंबर टू, आपके मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है और जिसका भी पासवर्ड आप जानना चाहते हैं उस राउटर के वेब पेज पे किसी भी तरह का एडमिन पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर एडमिन पासवर्ड लगा हुआ है तो ऐसे में आप उसका पासवर्ड नहीं जान सकते। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर जो नॉर्मल यूजर होते हैं वो अपने राउटर के वेब पेज में किसी भी तरह का पासवर्ड लगा के नहीं रखते, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर गीक है जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में काफी अच्छा ज्ञान हो तो वो अपने वेब पेज के यानी राउटर के वेब पेज में एडमिन पासवर्ड को जरूर लगा के रखता है। तो ध्यान रहे अगर राउटर के वेब पेज में किसी भी तरह का पासवर्ड लगा हुआ है तो ऐसे में आप उस वाईफाई के पासवर्ड को नहीं जान सकते। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड जान सकते हैं, वो भी बिना रूट के। तो बिना रूट के यही एक तरीका है जिससे आप किसी भी मोबाइल में कनेक्टेड वाईफाई को पासवर्ड को जान सकते हैं। तो आइए सीधा हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बिना रूट के कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड जान सकते हैं। तो मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड जानने के लिए बिना रूट के सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है और उसके बाद आपको यहां पर वाईफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कनेक्टेड वाईफाई पे सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गो टू वेब पेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में ये गो टू वेब पेज का ऑप्शन नहीं आता वाईफाई में तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है राउटर सेटअप पेज। इस एप्लीकेशन को आप हमारे ब्लॉग से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। तो डाउनलोड करने के बाद इसे मोबाइल में इंस्टॉल करना है और सिंपली इसे ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन राउटर पेज पे क्लिक करना है, तो ये आपको डायरेक्टली राउटर के पेज पे ले जाएगा जो कि आप मोबाइल के वाईफाई से भी जा सकते थे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे ये ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। ध्यान है अगर उस यूजर ने जिसका भी वाईफाई है उसने अपने वाईफाई के राउटर के वेब पेज में किसी भी तरह का पासवर्ड नहीं लगाया तो ऐसे में आपको ये किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको ऐसा किसी भी तरह का ऑप्शन आता है तो आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है एडमिन और उसके बाद आपको सिंपली नीचे पासवर्ड में भी एडमिन टाइप करना है, क्योंकि जो मोस्टली राउटर के वेब पेज होते हैं वो उसमें नॉर्मली जो पासवर्ड होता है वो एडमिन ही होता है। तो आपको ये टाइप करना है। ध्यान रहे अगर उस यूजर ने दूसरा पासवर्ड लगा रखा है तो ऐसे में आप उस राउटर के वाईफाई के पासवर्ड को नहीं जान सकते, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये पासवर्ड आपको टाइप करने के बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपने राउटर के वेब पेज पे लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सामने एक वायरलेस सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपके वाईफाई का नाम और आपके वाईफाई का पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही मेरे वाईफाई का पासवर्ड है जो भी मेरे मोबाइल में कनेक्टेड है। ध्यान रहे हर राउटर के वेब पेज अलग अलग होता है, यानी अगर आपके पास दूसरा राउटर है तो आपका जो वेब पेज है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपने राउटर के वेब पेज पे लॉगिन करके वायरलेस सेटअप का ऑप्शन ढूंढना होगा। तो जहां पर वायरलेस सेटअप का ऑप्शन मिलेगा वहीं पर आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा जो भी आपके मोबाइल में कनेक्टेड वाईफाई है। तो इस तरह आप अपने मोबाइल में कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यही एक तरीका है जिससे आप अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड जान सकते हैं, वो भी बिना रूट करे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे अगर आपका मोबाइल रूट है तो किस तरह आप अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है या फिर कनेक्टेड था यानी जितने भी पुराने वाईफाई कनेक्टेड थे उसका पासवर्ड आप किस तरह जान सकते हैं। तो मोबाइल में कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड जानने के लिए रूट मेथड से सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा।
तो आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है और सिंपली से ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली रूट एक्सप्लोरर को टर्न ऑन करना है, यानी ऑन करना है। तो ध्यान रहे अगर आपका मोबाइल रूट है तो ही ये फीचर आपके मोबाइल में इनेबल होगा, यानी एक्टिवेट होगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद अब आपको डिवाइस पे जाना है। डिवाइस पे जाने के बाद आपको सिंपली डेटा पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डेटा पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे, तो आपको सिंपली मिस्क यानी MISC फोल्डर पे क्लिक करना है और इसे ओपन करना है। तो जैसे ही आप मिस्क फाइल पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यानी एक फाइल मिलेगा WPA-supplicant.com। तो आपको सिंपली इस फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको text/html viewer को सिलेक्ट करना है। तो आपके सामने एक HTML पेज ओपन हो जाएगा टेक्स्ट एडिट की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड होगा उसका पासवर्ड और SSID आपको सिंपली यहाँ पे सामने दिखाई देगा। तो जिस भी वाईफाई का पासवर्ड जानना चाहते हैं तो उसका SSID चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन लिखा होगा PSK, तो जो PSK के सामने जो कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देगा वही आपके मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड होगा। दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप ES फाइल एक्सप्लोरर की मदद से भी अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका मोबाइल रूट होना बेहद जरूरी है तभी आप पासवर्ड जान सकते हैं। तो ये दो तरीके थे, एक रूट और एक बिना रूट के, जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसका पासवर्ड जान सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में जो सवाल नीचे कमेंट करें। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।